अल्लाह ने फरमाया ए ईमान वाले ओ कुतिबा अलैकुमुस्सयाम, फरमाया तुहाडे ते रोजे फर्ज कर दिते गए ने, कुतिबा लिख दिते गए, लाजिम कर दिते गए, फर्ज कर दिते गए रोजे तुहाडे उते, कमा कुतिबा अलज़ीना मिन कबलिकुम, जिस तरीके नाल तुहाडे तो पहले लोगां ते फर्ज किते गए ने। और क्यों अल्लाह ने फरमाया दा मनशा की है, फलसफा है, रमजान रोजे दा फलसफा की है, अल्लाह चाहता है लअल्लकुम तत्तकून, ताके तुसी लोग मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ, अल्लाह को डरने वाले बन जाओ। रोजे दा फलसफा यह है कि रोजा रखने वाला बंदा उसके दिल अंदर अल्लाह दा डर पैदा हो जाता है, हर मामले दे अंदर परहेजगारी उसका वतीरा बढ़ जाता है, अल्लाह दे सामने अल्लाह दा फरमा बरदार ते मुत्तकी बंदा बन जाता है। अलगरज अल्लाह करीम ने फरमाया सिर्फ तुहाडे ते नहीं बल्कि तुहाडे तो पहले लोगों ते रोजे फर्ज कर दिते गए। और दूसरा मैं पिछले जुमे दा ते इस जुमे दा रबत जोड़दा चला जावा, अल्लाह करीम ने फरमाया शारू रमजान लजी उज़िला फील कुरआन, ए ओ महीना अजमत वाला जिदे अंदर अल्लाह करीम ने कुरान नाजिल फरमाया, ए कुरान मजीद इस महीने दे अंदर उतरिया, ए महीना बड़िया शाना वाला है, जो कुरान उतारिया ते अल्लाह ने इस महीने दे अंदर ए महीना सारिया महीना चो अफजल बनाया ते अर्श वाले अल्लाह ने, इहदे अंदर कुरान नाजिल फरमाया ते अर्श वाले अल्लाह ने, रोजे जैसी एक फजीलत वाली इबादत बतलाई है ते रमजान दे महीने दे अंदर अल्लाह ने इनाम फरमाया, ते लैलतुल कदर दी रात आई आई ते रमजान दे महीने दे अंदर इतनिया फजीलता। जी जी मेरे प्यारे भाई, चलदियां चलदियां बात सुनदियां चला जाना, दौरान खिताब तकरीरां दे दौरान रेंदी चली ना जावे। सही मुस्लिम शरीफ दी हदीस है, फरमाया दो बंदे इंज दे होणगे के जनाब जिन्हां नूं लैलतुल कदर दी रात भी मुआफी नहीं मिलेगी। अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह। वो दो बंदे सही मुस्लिम शरीफ दी हदीस अंदर उन्हां दी वजाहत मौजूद है। पहला ते वो बंदा जिहड़ा अल्लाह नाल शिरक करने वाला, यानी मुशरक बंदा जदों तक शिरक दा काम ना छड़े, शिरक तो तौबा ना करे, ते लैलतुल कदर दी रात दे सजदे भी उहदे गुनाहां नूं माफ नहीं कर सकदे, माफी नहीं मिलनी लैलतुल कदर, सारी रात चक्करां मारे, सारी रात सजदे करे, मत्था रगड़े, लेकिन तेरी एक लम्हे दी भी इबादत कबूल नहीं होनी अगर दिल अंदर शिरक है, तेरे अमाल शिरक वाले, तेरा अकीदा शिरक वाला। शिरक किनू कहंदे ने? अल्लाह नूं, अल्लाह दी जात और सिफात अंदर अल्लाह की जात विच किसे नूं शरीक समझना, जां उहदियां सिफतां दे विच किसे नूं शरीक समझना। अल्लाह मौत हयात दा मालिक है, कल्ला ही है, किसे होर नूं समझ लेना। अल्लाह रज़ाक रिज़क देने वाला, हर अपनी मखलूक नूं उहदे ठिकाने दे मुताबिक और उहदी तबीयत दे मुताबिक रोजियां पहुंचाने वाला अल्लाह कल्ला है, और अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदियां नूं रोजियां पहुंचांदा है, उहनूं कहिंदे ने रज़ाक। इहदा फारसी अंदर माना बणदा है दाता, उर्दू पंजाबी अंदर देने वाला, अरबी अंदर मोती अता करने वाला। क्यों जी? वो कौन है? बोलो कौन? मुश्किल कुशा अल्लाह कल्ला, दाता ते सिर्फ अल्लाह कल्ला, जिहड़ा होर किसे नूं मुश्किल कुशा समझे, हाजत रवा समझे, दाता समझे, अल्लाह तो अलावा किसे फरिश्ते नूं, किसे नबी नूं, किसे वली नूं, किसे जिन नूं, किसे इंसान नूं, किसे जनाब आला ते अदना नूं, जिस नूं भी कोई बंदा होर किसे दे अंदर सिफतां शुमार करदा है, वह मुशरक है। और मुशरक बंदे दी लैलतुल कदर दी रात वाली इबादत भी काबिले कबूल नहीं होएगी। और दूसरा वो बंदा है जिहड़ा कीना परवर,
जेदे सीने दे अंदर दिल दे अंदर हसद परवरश करदा है कीना हसद हसद दी आग बढ़दी है ला हसद हसद केंजदा के हो जा हसद कि एवे इन्हू चीज नहीं मिलनी चाहिए अपने वास्ते नहीं अल्लाह अकबर है जी रशक होंदा अल्लाह इन्हू नेमत दिती है अल्लाह मैनू भी अता फरमा दे अल्लाह इहदी नेमत नू होर वधा जिहड़ी इन्हू दिती है होर वधा दे ए रशक इन्हू कहिंदे रशक ते हसद हाय हाय इहदे कोल ना रवे मैनू रवे मेरे कोल आवे ना आवे इहदे कोल ना रवे है कारी खालम जात साहब नू जाणदे हो कारी खालम जात साहब खतीब ने पत्तो की दे वह फरमान लगे एक दिन मैं बाजारे जा रहा ते कोलों दी पजारो लंघी एक बंदा मेरे अगे अगे पे जांदा है वह कहिंदा अल्लाह ए पजारो दे दे खां ते जे नहीं देनी ते थल्ले ही दे दे लो हसद दी अखीर नहीं अंदाजा लाओ इस तरह दे भी लोग हसद हासद भी वन सवन्ने तरह तरह दे हासद अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह मेरे प्यारे भाई वो एक कादा ना बंदे दी नमाज रहिंदी उहदे नामा माल अंदर ना उहदी हज्जां रहिंदियां ने ना उहदे रोजे नामा माल च ना सदके खैरात करने और हसद करने वाले दी ते दुनिया ते आखरत दोनों जहान ही बर्बाद हो जांदे ने दोनों जहान किवें बर्बाद हो जांदे जिहदे बारे च हसद करना उहदे तक गल पहुंचेगी उहदे कागजां च तू गया क्यों जी जिहदे सामने हसद करदा पिया उहदे भी कागजां च गया तेरा कोई मुल नहीं पैंदा पूरा बिल्कुल एक जीरो पॉइंट से तू आ गया तेरा कोई कदर नहीं तेरी कोई इज्जत नहीं कोई तेरे अंदर किसी किस्म की तेरी जनाब कोई आओ भगत कोई किसी किस्म की नहीं होएगी दिल के अंदर एहतराम नहीं होएगा ते आखरत भी बर्बाद होगी जो नेकियां का पलड़ा ही खाली हो गया अंदाजा लगाओ ऐ दो काम इंज दे ने जिहड़ा गीबतां करन वाला चुगलियां करन वाला और दूसरा बंदा अल्लाह दे नाल शिरक करन वाला लैलतुल कदर जैसी रात आवे सारी रात इबादत करे उन्हूं माफी नहीं जिन्नी देर तक ऐ दो काम ना छड़े मैं ते कहंदा हुन्ना जदों लैलतुल कदर दी रात आ जावे हां जी मगरब तो पहले जनाब उस बंदे कोल चला जा जिहदी तू गीबत कर चुके है हाथ जोड़ के माफी मांग लै मैं कहना तू गल शुरू करेगा तेरे हत्थां नूं फड़ लेगा क्यों जी गया रहा तो रहा बंदा कहेगा तेरा आना ही कबूल है क्यों जी बस तेरा आना ही माफी हो गया सोने बस दो नफल भी पढ़ लवे तेरी रात की इबादत कबूल है।